हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज हम बात करेंगे उर्फी जावेद की बहन के बारे में। ये उर्फी जावेद की बहन तो नहीं है, पर उनसे इंस्पायर्ड जरूर है। इनका नाम रितम चनाना है। ये दिल्ली मेट्रो वायरल गर्ल के नाम से ज्यादा मशहूर है। वायरल वीडियो और किसी का नहीं, इन्हीं का था। वो वायरल वीडियो तुम में से किस किस ने देखा है, अपने हाथ उठाओ। क्लास में ठरकी बंदा तुम ही हो सकते हो। तो मुझे डाउट था, अब यकीन भी हो चुका है। तो गाइस आओ यार, बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है, तुम्हें घर से निकलने की इतनी भी क्या जल्दी हो रही थी? कौन सा तुम्हारा ट्रेन छूटा जा रहा था? उसकी मेट्रो ट्रेन छूट रही थी। ठीक है भाई, पर उसे इतनी जल्दी जाना कहाँ था जो अपने कपड़े ही पहनना भूल गई? हैशटैग ट्रेंडिंग में, हैशटैग वायरल में। शिट, इसको इतनी जल्दी थी आने की वो अपने कपड़े के जगह पे पोछा लपेट के आ गई। इसकी बगल में दीदी आंटी जो भी है वो अपने फेस पे मास्क लगा ली है, इसके वजह से लोग मुझे ट्रोल ना करे। इश्क है दीवाना, रुक खजाना लुटाना। रूप का खजाना यहाँ पे होता है। रूप का खजाना बोल के बच्चे लोगों को जिस्म का दीवाना कर रही है। साले मजाक बना के रखते हो, भड़वा समझे क्या? काश इसका फिल्टर की तरह इसका कैमरा भी ब्लैक होता तो ये वीडियो ही नहीं होती। इसके पास मेकअप करने का पैसा ही नहीं था, इसलिए अपनी फेस को फिल्टर के पीछे छुपाए रखा है। इसको देखने के बाद तो मुझे अब रानू मंडल ज्यादा ही खूबसूरत लग रही है। इनका वीडियो वायरल होने के बाद इन्हें बहुत सारी न्यूज चैनल से ऑफर आ रही है। न्यूज वाले रिदम को बोल रहे हैं कि आप आइए और जो भी बच्ची कुच्ची इज्जत है वो बहा करके जाइए। इन दिनों दिल्ली मेट्रो गर्ल के बारे में जरूर सुना होगा। जी हाँ, वो लड़की जो अपने पहनावे को लेकर चर्चा में बनी हुई है, जिसका नाम रिदम चानना है। लोगों ने उर्फी जावेद से भी कंपेयर कर रहे हैं। तो चलिए रिदम चानना से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। रिदम, आपका जी मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। रिदम, आप इन दिनों सोशल मीडिया पर सनसनी बनी हुई है। न्यूज वाले ऐसे स्वागत कर रहे हैं कि इन्होंने कोई बड़ा काम किया हो, इंडिया के लिए कोई गोल्ड मेडल लाई हो क्या? लेकिन कई लोगों का सवाल है कि आप पार्टी में जा रही थी या फिर आप क्लब जाने वाली थी या फिर आप क्लब से आ रही थी। तो वही मेरा सवाल है कि आखिर ऐसा क्या था कि आप मेट्रो में इन कपड़ों को पहनकर सफर कर रही थी? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने मेट्रो को चुना। मैं कहीं पे भी जाती हूँ, मैं इन्हीं क्लोथ्स में जाती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने मेट्रो में मैं स्पेशली गई थी। रिदम, ठीक है, आपने वायरल होने के लिए मेट्रो को नहीं चुना, आप कहीं भी जाती हो तो इन्हीं कपड़ों में जाती हो, पर आपका जो वायरल फोटोज और वीडियोस है वो हमें मेट्रो ट्रेन की ही क्यों देखने मिलती है? बात तो सही है। आपने कई वीडियोस देखी भी होगी, लोग कह रहे हैं दूसरी उर्फी जावेद आ रही है या फिर आपने उर्फी जावेद से ही इंस्पिरेशन ली है। लोगों के कई सवाल हैं, इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? हाँ, मैंने ये किसी पर्टिकुलर पर्सन से इंस्पायर होकर नहीं किया। ऐसे भी वो आ रहा है ना कि उर्फी, शी इज़ इंस्पायर्ड बाय उर्फी जावेद। तो हाँ, आई लाइक उर्फी जावेद, ऑब्वियसली आई लाइक हर। मुझे उनसे बहुत मोटिवेशन मिलती है, बट ये कपड़ों वाली चीज़ ना उनसे स्टार्ट नहीं हुई है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि आई एम इंस्पायर्ड बाय उर्फी जावेद, बट आई लाइक हर, मुझे वो बहुत पसंद है, बट आई एम नॉट इंस्पायर्ड बाय उर्फी जावेद। ये सही है, आई एम नॉट इंस्पायर्ड बाई उर्फी जावेद बट आई लाइक हर। को मैं भी यही बोलूंगा, हनी सिंह का कॉपी करूंगा, यो जो हनी सिंह, और इंटरव्यू में जाकर के मैं ये बोलूंगा, आई एम नॉट इंस्पायर्ड बाई हनी सिंह बट आई लाइक हर। अबे जूते पड़ेंगे जूते। अबे दिख तो रहा है, सर से लेके पांव तक पूरी उर्फी उर्फी बनी फिर रही है। तुम्हें देख के बताएगा कि ये तुम्हारी खुद की ट्रेंड है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। Who the hell are you to comment on my clothes? Who are you? ओ बहनो, कपड़े भी होने चाहिए कमेंट करने के लिए। ये तो कपड़े ही नहीं है जो कमेंट करूंगा। शक्ल देखिए अपनी। Whatever I am 1000 times better than you. हाँ बहन, देखा है मैंने अपनी शक्ल, तेरे से लाख गुना अच्छी है मेरी शक्ल, वो भी बिना आटा मैदा लगाए। और तुझे लगता है कि तेरी शक्ल बहुत सुंदर और खूबसूरत है, तो ऐसी खूबसूरती हमें तो नहीं चाहिए। और शक्ल की बात हो ही रही है तो ये मेकअप में भी इतनी खराब लग सकती है, तो आप इमेजिन करके देख लो, कहीं गलती से तुम्हारे सामने विदाउट मेकअप आ गई तो भाई सीधा धरती से हम लोग का रास्ता दिख जाएगा। भाई इसने बोला था कि मैं ऐसे ही ड्रेस में कहीं भी चली जाती हूँ, ये ऐसे ही ड्रेस में न्यूज चैनल पे भी निकल गए इंटरव्यू के लिए। उधर न्यूज चैनल वाले भी परेशान, आखिर कॉलर माइक लगाओ तो लगाओ कहाँ, तो परेशान हो गए, माइक को कहाँ लगाया देख लो।
थैंक यू सो मच वीडियो को पूरी देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। लव यू ऑल।